और ब्रह्म के बेला में एक ऐसी संगीत, तमाम लोग जैसे इस महफिल में बैठे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से पांडवों की यज्ञशाला इस प्रकार से सजाई गई थी। उस यज्ञशाला का एक नियम था कि जो भी इंसान अगर गलत नियत से प्रवेश करेगा तो पता चल जाएगा। गलत नियत से प्रवेश करे वाला इंसान जब अंदर घुसी हो तो उनके पानी के जगह पर सूखल और सूखल के जगह पर पानी लोगी। तमाम एक से बढ़कर के एक भी धुरंधर जुटे थे। उसी स्वयंवर में तमाम एक से बढ़कर के एक महारथी, लेकिन जिस वक्त उस स्वयंवर में भीम के साथ दुर्योधन प्रवेश करना चाहते हैं, मन में बड़ा घमंड हो कि चलल जाई और हमें कमाल कई जाई। जे वही गलत नियत से प्रवेश कैलन, इतना लोग बैठल बनी तनी ध्यान दे बाकी भइल बा, भइल का मात्र 5 से 7 मिनट के गीत और विश्वास बा की पसंद आई। बड़ा सुंदर हमारे कवि जी गीत के अंदर पुराण गीत के संकेत के लोग कभी कभी सुनला के बाद फक्र महसूस होला। देखले तो नहीं की जा, लेकिन सुनले जरूर हनी जा। एक गीत के पहले के जमाना में जब हमनी के पुरनिया लोग आई गावत गावत कतना गवैया एक गीत के चल गिल लागल बड़ा जवानी है हमारे टिकट काटे पर। अरे ना हो ताके ना कहते तब के कहते हमार को है के मतलब के फिर आवा का के जे रहो के तुम रहो चला ये सब के चलते जोन भाई शरीर पर ओढ़ना से लेके बिछौना से लेके कपड़ा से लेके हर सिस्टम ये सब के दिहल बा। हां तोरे भजवा को बड़ दया बाबू काहे कोई ना रहे ते यहां सब के विचार होई त कलाकार एजा का दुनिया के कोना में कहीं भी रह सके। बड़ा सुंदर गीत कैसे बहादुर कैसे लोगा में ए पीरा हमारे अपने कलम के माध्यम से इस गीत को लिखे हैं क्या ए दैया ए दैया अन्हरा के पैदा भइले सूर्य करुण लेके आए गयो ए दैया अन्हरा के गलत नियत से प्रवेश किया उसको मालूम नहीं था। जब घुसल तो यज्ञशाला के नियम रहबे कई कि गलत नियत से प्रवेश करे वाला आदमी के पानी के जगह पर सूखल लो कि सूखल के जगह पर पानी लो। जे वही घुसे के कोशिश कैल नियत खराब रह गड़ाह में हेल गए। द्रौपदी के नजर पड़ल देख करके
के ठाठा मारती है और हंसती है, अपने सखियों से कहती है के सखी लोग सही कहलो कि अनहर के बेटा अनहरे होल, आज साबित कर देला से अनहरा के बेटा है कि अनहर के बेटा अनहर, ये अनहर ना रही ते के जरूर लौकी। द्रौपदी ताना मारती है दुर्योधन को देख करके, तो लिखना पड़ा क्या से बकरा से कब कुकुर बन गया।
हमके समझे में ना आईला। जितना कुल सखी बड़ी जितना कुल लोग बैठा था सारा लोग ठाठा मारता हंसता लेकिन द्रियोधन के भीतर भीतर सुनवाता का मतलब आग लगत हो क्रोध में लाल हो गए कहीं जात के द्रौपदी हमके देख के ताना मरलो चिंता मत करो ऐसा समय आई कि अपमान के बदला हम जरूर ले मनाई मन द्रियोधन बाबू संकल्प लिया कि अपमान का बदला द्रौपदी से जरूर चुकाऊंगा आखिर भाई का संकल्प लिया कि अपमान के बदला आज न तकाल द्रौपदी से हम जरूर चुकाए धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब कुछ दिन बीतले बाबा बाबू हर युग में मामावा जोन बा धोखा कैले बड़ा सब चाहे सतयुग होके चाहे त्रेता होके चाहे द्वापर होके चाहे बर्दाश्त ना भइले बतिया के द्रियोधन तुरंत ओइजा से निकल तक कैलस का देख ले के लोग अंदर कितना दम है मनाई मन जरा तो सोचा था लेकिन जड़ी जड़ी के कैलस का हसिया के कारण से का भाई ध्यान दे जुग
जौनागरी कौरों में और पांडवों में मात्र पांच गांव खाती लड़ाई होके लगल। आप लोग जानते बनी कि पांचों पांडवों के ले जाके जबरदस्ती जुआ खेलावे लगल शकुनिया मामावा लागल जुआ खेलावे। आ जुआ खेलत खेलत जब पांचों पांडव सब कुछ हार गई लो जे वही उठ के चले के कोशिश में बालो मामावा कलश के धर्मराज जी धर्म पर चले वाला अभी तू कैसे जइबो अभी तो बहुत कुछ बाकी हो। कलम के हमरे लगे कुछ दांव पर रखे के बाचल ना बा कलश की सबसे बड़ा दौलत तो अभी आपके पास है। धर्मराज जी कहते हैं क्या मेरे पास है कलश के अभी द्रौपदी बाकी है बड़ी भाई द्रौपदी तभी बाकी बड़ी मैं धाम तो यही जगह धर्म पर चले वाला धर्मराज जी दांव पर अपना बीवी के भी लगा दे यानी द्रौपदी के भी लगा दे। अब द्रौपदी के दांव पर लगाए के जब लगवन जुआ खेले शकुनिया ममावा लागल अपन पासा पर उठे लागल धोखा के मार करे। आप सब सुने होंगे और टीवी पर देख भी रहे हैं कि ममावा के चलते जौन बा पांचों पांडव द्रौपदी के हार गए। आज जब द्रौपदी के हार गए लो तो दुर्योधन मनाई मन हंसत कि अब समय आ गई बा जौन हमके ताना मरले लू और ताना मरला के बदला चुकावे वाला। ए बाबू जब द्रौपदी के लोग हार गए लो तो देखा उम्मीद के कहिल का ही चल लगा तू सारी भारी समाज में जहां एक से बढ़ करके एक लोग बैठे थे जैसे आप लोग बैठल बनी तमाम लोग बैठल बन भीष्म पितामह से लेके तमाम लोग अर्जुन भीम नकुल सहदेव यानी सब कुछ लोग सब कोई भरल बन। लेकिन भरी सभा में द्रौपदी को जब दुशासन अपमानित करने लगा चीर के लगल खींचे आवाज देती है दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान को कि आ करके इस बहन के आबरू को बचा लो। दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान जिनके सामने हम और आप खिलौने के रूप में हैं, द्रौपदी का चीख सुन करके दुनिया के मालिक करते हैं क्या बाबू लागल चीर के खींचे आज जब जब खींचे जस जस खींचे भगवान के मर्जी से द्रौपदी के सारी लगल बढ़े। तक आदमी कहला कि सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे खींचत 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 दुशासन जब चीर के हार गई बारे दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान आपने भरी सभा में एक बहन को अपमानित होने से बचाया आओ में बिलैयन के बचवन के भी बचौले रहो। लेकिन आपके ऊपर भी जब समय आया जंगल में कदम के डार पर बैठ के जब पैर हिलाओ तरल बैलिया मिर्गा समझ करके आपके ऊपर बाढ़ चला दिया आपके भी समय ना छोड़ बाढ़ लगल धरती पर गिर के मूर्छित होके तो हमनी के तो एगो इंसान बनी जा। आखिरी बंद में कवि का संकेत है पंचम चंद्रिका के मूर्ति माये